नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक अभिलक करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो आपका क्वेरी है कि आपने हाउस परचेस किया है, कब तक उसका रजिस्ट्रेशन आपको देखने मिलेगा, क्या आगे भी चल के कोई अनदर इशू आप फेस करेंगे, तो जब भी प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात आती है तो सन एंड मार्स के कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। जब भी स्क्वायर जैसा साइन मार्शियन जोन पर बनता है तो ये कन्फर्मेशन देता है कि यस, आपका खुद का घर या प्लॉट, रजिस्ट्रेशन, हाउस, इन सब से रिलेटेड किसी भी तरह का जो तकलीफ, परेशानी, मसला है, ये सब निश्चित रूप से हल हो जाएगा और आपका खुद का मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेगा। कारण ये होता है कि हथेली में जब भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे साइन बनते हैं तो ये सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर अंततः आपके हक में ही परिणाम आने वाला है। कब तक ये परिणाम आएगा ये ओवरऑल पाम में ही इसको जज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप बारीकी से देख सकेंगे कि आपके सूर्य और मंगल रेखा से युक्त होकर के प्योरली स्क्वायर का साइन बिल्ड है। ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि डेफिनेटली आपको इस विषय को लेकर के लाभ मिलेगा, सरकार से भी लाभ मिलेगा। और जब भी इस तरीके का साइन आता है तो आप जैसे जातकों के साथ अन्याय इन सब विषयों में, खासकर भूमि से रिलेटेड किसी भी तरह के कार्य में नहीं होता है। दूसरी बात, सूर्य के क्षेत्र पर हम देख रहे हैं कि सूर्य पर आपके स्टार साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू हो रहा है। ये साइन और समय के साथ में डेवलप होगा। जब ये साइन प्रॉपरली डेवलप हो जाए उसके बाद में रिवॉर्ड, अवार्ड गवर्नमेंट के द्वारा डेफिनेटली मिलता है, पोजीशन, अथॉरिटी या स्टेटस डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि स्टार नाम, सम्मान और वेल्थ को फैलाता है। तो ये चिन्ह आपके पाम में अभी मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल के अतिरिक्त पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से यहाँ पर विकसित हो जाएगा। तो यानी 1.5 साल के अतिरिक्त में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बावजूद भी आप अगर मार्स रेमेडी करेंगे, क्योंकि आपके एक जो माइंड लाइन से निकली रेखा है पूरी आउटर मार्स से कनेक्टेड है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता देती है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत करती है ये रेखा। इसीलिए आप जैसे जातक हर विषय में डट करके हिम्मत के साथ सामना करते हुए देखने को मिलते हैं और हार नहीं मानते हैं अपने जीवन में। इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये रेखा बहुत ज़्यादा बल, हिम्मत, मानसिकता, योग्यता, बुद्धिमत्ता देती है, जिसके कारण हर तरह की कष्ट, परेशानी या तकलीफ का समाधान निकाल सकने में आप जैसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखाएं डेवलप होना शुरू होए तो ये इस कंडीशन में रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। आप जैसे जातकों के दुश्मन ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, स्वास्थ्य विषय में बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी नहीं आती, ऋण लेकर काम करते हैं वो पूरा ख़त्म होता है, और प्रॉपर्टी मैटर्स में या ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग भी कोई मसला रहता है तो वो डेफिनेटली यहाँ पूरा हल होते हुए देखने को मिलता है। तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन मार्स रेमेडी और हमें करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब हम मंगल को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे तो मंगल ही कारक है भूमि के, और ये जो प्रॉब्लम है इसमें मंगल का मजबूत होना आपको जो 1.5 साल में सफलता दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं 6 से 8 महीनों के अंदर ही उसके रिगार्डिंग शुभ परिणाम आपको आ जाएगा। तो इस विषय में आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके हथेली में बहुत सारे ऐसे योग दिखाई दिए हैं जो दर्शा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सात्विक हैं, धार्मिक हैं, आपने बहुत ज़्यादा पुण्य कमाए हैं, तो आपके साथ अन्याय किसी भी तौर तरीके से नहीं हो सकता। परमात्मा इजाज़त ही नहीं देंगे कि आपका मिसयूज़ हो, मिसगाइड हो, क्योंकि जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है ऊपर से जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है तो ये दर्शाती है कि आप जैसे जातक बचपन से बहुत ज़्यादा कर्मठ रहे हैं, मेहनती रहे हैं, एम्बिशियस बनाती है ये प्रोग्रेस लाइन। तो आपने अपने एम, गोल को किसी भी हद पर जाकर के अचीव किया है, लगातार अपने जीवन को सुधारने का ही प्रयत्न किया है, इसीलिए आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट समय के साथ हमेशा बढ़ता रहा है और अपने सारे एम्बिशंस को आपने फुलफिल भी किया है। उसी तरह जब इस तरह की आड़ी रेखा आती है तो ये दर्शाता है कि आपने समाज सेवा किया है, आपने उन लोगों की सहायता की है जिनका कोई साथ ना दे रहा हो, दयालुपन आपके अंदर हमेशा से रहा है, और ये सारे चीज़ों ने आपके पुण्य को बढ़ाया है, जिसके कारण आपके बच्चों का भी भविष्य अच्छा रहेगा और उनसे भी लाभ मिलेगा। दूसरा, किसी भी तरह का धर्म कर्म करना आपके सभी तरह के विपत्ति को ख़त्म करेगा, ईश्वर के निकट ले जाने का चिन्ह होता है ये। तो जब इस तरह का गुरु क्षेत्र हमें देखने को मिलता है तो ऐसे जातक के जीवन में कहीं ना कहीं पुण्य बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और आपके पुण्य से भी दूसरों को जब इतना लाभ मिलता है, क्योंकि इस रेखा का नियम है कि आप जैसे जातक चलते फिरते भी लोगों की मदद कर देते हैं, किसी के दुख तकलीफ देख नहीं पाते, तो ईश्वर कैसे आपके साथ अन्याय कर सकते हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, लेट ही सही लेकिन बहुत बड़े स्तर का फायदा आपको मिलने जा रहा है, इसीलिए इस विषय में इतना समय लग चुका है।
दूसरा, यहाँ पर किसी तरह का स्पेसिफिक इशू अपकमिंग लाइफ में होगा या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। जब भी लाइफ लाइन बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बिठा देती है या स्मूथ हो जाती है या वरीज लाइन इसके इर्द गिर्द नहीं आती है, तो ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा तकलीफ, रुकावट, परेशानी, इन सारी चीज़ों का अब आपको सामना नहीं करना है। दूसरा, हम यहाँ भाग्य रेखा की स्थिति को देखें तो यहाँ पर साफ रूप से देख सकेंगे कि तकरीबन 67 और 68 के एज से आपका जो ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, इसी के सपोर्ट में आकर के या इसको बेस बना करके बहुत सारी लाइन जनरेट हुई है जो लक को ही इंडिकेट करती है। मल्टीपल वे से लक आना, सपोर्ट आना, अर्निंग सोर्सेस क्रिएट हो जाना या किसी तरह की सुख सुविधा की कमी ना होना और इच्छा पूर्ति होना, इन सब योगों को इस तरह का सैटर्न माउंट वो लाइन इंडिकेट करता है। ये भाग्य का कर्म का क्षेत्र होता है और इतनी सारी लाइन यहाँ पर होना यानी आपके पास एक साधन नहीं रहेगा आपकी समस्याओं को हल करने के लिए, मल्टीपल सोर्सेज रहने वाले हैं। तो इसीलिए आपका लाइफ अभी 67 और 8 के मिड से एक्सट्रीम बेनिफिशियल और बहुत अच्छे फॉर्चून राइज होने के योग दे रहा है। तो यहाँ ये दो इंडिकेशन कन्फर्मेशन देता है कि हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, फाइनेंशियल वाइज यानी इकोनॉमिकल कंडीशन वाइज पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी आने वाली है और डिजायर, एम्बिशन, गोल, इन सब में अचीवमेंट मिलने वाला है जिसके कारण सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में मिल सकेगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन जब अच्छे होते हैं तो किसी तरह का बड़ा परेशानी, तकलीफ नहीं आता है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट और एक लीडरशिप क्वालिटी भी देता है, क्योंकि ये डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का साइन होता है। आप जैसे जातक तुरंत एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं और कई मरतबा पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर एनालिसिस करते हुए थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर व्यक्ति को हिम्मत देता है, हौसला देता है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी रिस्क लेना चाहिए। तो रिस्क टेकिंग नेचर, इंडिपेंडेंट टाइप का पर्सनैलिटी और अपने अनुसार काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर को छू दे या उससे ऊपर उठ जाए तो कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा देता है। स्टेज फियर नहीं होता है, अपने बात को सही ढंग से समझा सकने में, दूसरों से काम करवा सकने में और एक समय पर एक से ज़्यादा काम संभाल सकने में भी सक्षम होते हैं। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से काम कराने वाला व्यक्तित्व देता है जिसके कारण मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप जैसे जातक खराब से खराब स्थिति को भी संभाल सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रेंथ में अच्छी देखने को मिले तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है, तो यूनिक वे से काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। आप अपने दम से बहुत सफल हुए हैं ये सूर्य की फिंगर यहाँ दर्शा रही है। ऐसे जातक जीवन में जितना भी नाम, सम्मान, धन दौलत, सफलता कमाते हैं सिर्फ अपने दम से, अपने नाम सम्मान से वैभव को हासिल करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको एक तरीके से एक्सपर्टीज देगा कि आप हमेशा अपने काम में या लाइफ स्टाइल में अपग्रेडेशन करें, सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं, क्योंकि जब थर्ड फिंगर लॉन्ग हो और ऊपर से प्रोग्रेस लाइन हो तो इस कंडीशन में हमेशा कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करने का प्रयत्न होता है। इसीलिए किसी भी तरह का इनिशिएशन रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक बनाता है, लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। आप फ्रेंडली, काइंडली टाइप के इंसान हैं, इसीलिए आपके फिंगर पर सीधी खड़ी रेखा आ रही है जो दर्शाता है कि आप लोगों को लेकर चलने वाले, उनको समझकर, उनका साथ देकर चलने वालों में से हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन रिश्ते बहुत जल्दी कहीं पर भी बनाता है। किसी भी परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना या परिस्थिति माहौल के अनुसार ढल जाना ये सीधी खड़ी रेखा देती है, क्योंकि यह बहुत ही फ्लेक्सिबल या फ्रेंडली टाइप का नेचर यहाँ पर दे रही है। तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी बिल्ड कर रही है। फिंगर के नोड्स अभी फिलहाल डेवलप नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, बहुत दफ़ा दिया है, लेकिन ओवरऑल यहाँ जो आपका सूर्य है और मरकरी है ये डेवलप अच्छा हो रहा है, माइंड लाइन और ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रहा है, तो इस कंडीशन से लोग आपकी सुनने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे या आपके अनुसार चलने में ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि ये कॉम्बिनेशन आपको एक तरीके से थॉट प्रोसेस में, डिसीजन टेकिंग स्किल्स में, प्लानिंग्स में बहुत ही स्मूथनेस देने वाला है, ऑर्गेनाइज वे से काम कराने वाला है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस या लर्निंग के बिहाव पर आप अत्यधिक काम करने वाले हैं। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति में अभी भी स्ट्रेंथ है। शुक्र माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है, ये संजीवनी का काम करता है। संजीवनी का तात्पर्य लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य,
और अच्छी जीवन शैली यानी सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली देने वाला ये शुक्र होता है। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन है उसमें बायफोर्क होना यानी ट्रैवलिंग को बढ़ाता है और तमाम तरह के डिजायर एम्बिशन गोल के रिगार्डिंग अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है। ट्रायंगल का साइन जब लाइफ लाइन में बनता है तो कन्फर्मेशन देता है कि आपका मल्टीपल हाउसेज रहेगा, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा लाभ मिलेगा और ये सब कुछ योग जो आपके हथेली में बन रहा है ये करेक्ट 67-8 के आसपास से बनता दिखाई दे रहा है, जो तकरीबन 70 प्लस तक आते आते बन ही रहा है। तो यानी 67 से लेकर के 71 के मिड में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट या मल्टीपल आपके लाइफ में प्रॉपर्टीज डेवलप होना या प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व होने के 100% योग यहाँ पर लाइफ लाइन ने कन्फर्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ भी ट्रायंगल का साइन प्रॉस्पेरिटी वेल्थ को डेवलप करता है। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो आपके जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो बहुत ही स्मूथली आपके शुक्र की तरफ बढ़ता जा रहा है और शुक्र से भी एक सपोर्टिव लाइन आ रही है जो इंडिकेट कर रही है कि आपके जो फैमिली मेम्बर है, क्लोज रिलेशन्स हैं, वो सब आपको बहुत ज़्यादा सेवा देने वाले हैं। और वैसे भी सैटर्न लाइन जब होती है स्ट्रांग तो अपने खुद के लोगों से सेवा बुढ़ापे में बहुत अच्छा मिल पाता है। तो ये स्मूथनेस ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है जिसके तहत यह लंबी आयु का निर्धारण कर रहा है। तो आराम से 86 प्लस का कॉम्बिनेशन आपके हथेली में है और बहुत अच्छी लाइफ अभी और जीना आपको बचा है। थंब का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि हल्का सा ये इंडिपेंडेंट है और इसकी लेंथ शॉर्ट है। तो इस कंडीशन का तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक पुरानी बातें भूल आगे बढ़ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ये इंडिपेंडेंट हुआ है थोड़ा सा अलग है आपके पाम से यहाँ पर, तो ये कॉम्बिनेशन जिद्दी भी बनाता है। तो जिस चीज़ को एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके दिखाना है और शॉर्ट थंब आपको मूव ऑन करने में कई मरतबा हेल्प भी करेगा। इस शॉर्ट थंब में एक पॉजिटिव बात ये होती है कि रात गई बात गई मूव ऑन करके आगे बढ़ पाते, जिसके कारण स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल अधिकतर जी पाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं इशू आता है। बट ओवरऑल जो आपका फर्स्ट फैलेंज डेवलप है या आपका विल पावर अच्छा दे रहा है, सेकंड फैलेंज भी इनर्व डेवलप हो रखा है तो लॉजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। अब इसमें एक नेगेटिव बात यह आई है कि फर्स्ट फैलेंज पर आड़ी रेखाएं हाइपरटेंशन एंड वरीज के कारण स्ट्रेस एंजाइटी देती है। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा कूल काम रहेंगे या अपने मार्शियन एनर्जी को बढ़ाएंगे यानी अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा जानना और धैर्य के साथ काम करना, सब तरह का काम आपको जीवन में हो जाएगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर यव का साइन जब बनता है तो इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो इसीलिए आप जैसे जातक साधक अपने आप से ही होते हुए देखने को मिलते हैं। साधक का तात्पर्य होता है कि जो कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सामाजिक तौर पे अपने आप को दिखा रहे हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसा स्किल अपने पास रख रहे हैं जिसके कारण अपने अंतरात्मा में जाने की क्षमता आ रही है। जैसे कई मरतबा लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बुद्धा आईज इसे कहा जाता है, जो व्यक्ति को सिक्स्थ सेंस बहुत हाई देता है। कई मरतबा बातें मुंह से निकल ली और एकदम सही हुई, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख लिया, जो चाहा वैसा हो गया अपने या दूसरे के लिए भी, दुआएं जल्दी लग गई, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें होता है। तो अभी भी अगर आप रिचुअल्स फॉलो करेंगे जिसमें मंत्रास का चैंटिंग होना, मेडिटेशन करना या एटलीस्ट योगा प्राणायाम करना, इतना भी अगर आप करते हैं तो ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और एक तरीके से इंट्यूशन, इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाला है। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छा कर पाते हैं। लोअर जोन आपका बहुत एक्टिव है तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन हमेशा से आपके अंदर रहा है, आगे बढ़ने की चाहत, कुछ बहुत बड़ा करने की योग्यता, ये सब कॉम्बिनेशन शुक्र और चंद्र देते हैं। जिसका भी अच्छा नियत होता है, अच्छा कर्म होता है, अच्छी मानसिकता होती है, अच्छा मन होता है, तो ये क्षेत्र अपने आप से बहुत डेवलप होता है, जिसके तहत आप जैसे जातकों में देने की आदत बहुत अच्छी होती है, खासकर सुख सुविधाएं या दूसरों के लिए करने की योग्यता बहुत होती है। तो ईश्वर आपको देने में कभी भी कमी नहीं करते हैं, क्योंकि आप भी किसी के लिए जब करने जाते तो किसी हद की कमी नहीं लाते। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब भी हृदय रेखा जुपिटर से कनेक्टेड हो तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव बनाता है। इस कारण से आप जैसे जातक जब किसी का सपोर्ट करने आते हैं यानी देने पर, तो लिमिट नहीं लगा पाते हैं कहां तक देना है। तो ये कॉम्बिनेशन के तहत दूसरे लोग जो आपसे जुड़े रहते हैं बहुत फायदा मिलता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम दुलार प्यार भी मिलता है। तो इस कंडीशन में ये अगेन पुण्यों को बढ़ा दिया, आपकी ऑरा, आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया, तो ईश्वर भी
या ऐसे सुख सुविधा संसाधन देंगे, ऐसी योग्यताएं देंगे कि आपके पास भी किसी चीज़ की कमी रहने नहीं वाली है। तो कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये कॉम्बिनेशन देता ही नहीं है। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो जुपिटर माउंट पर जैसे प्रोग्रेस लाइन हमने देखा, वैसे ही उसके पहले आपकी माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली, जिसने आपको एक तरीके से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया या एजुकेटेड बनाया। लर्निंग कैपेबिलिटी या रीजनिंग या फिर ओवरऑल लर्निंग कैपेबिलिटी, यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी देता है। सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता में बढ़ोतरी देता है। अब ये जब माइंड लाइन से रेखा निकलती है तो इन सब उम्र में थोड़ी थोड़ी उपलब्धि मिलना शुरू हो जाती है। जैसे एक तो 8 से 10 साल के बीच में दिखाई दिया, एक तकरीबन आपको 16 और 18 के मिड में, और एक सबसे बड़ी प्रोग्रेस लाइन निकली आपके लाइफ लाइन से। ये समय आपके जीवन में अप्रोक्सीमेटली 26 और 8 के मिड का है। तो इस पीरियड में बड़े लेवल की उपलब्धि और जीवन में अत्यंत सुधार, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज कंफर्ट्स की बात हो रही है, इसी पीरियड से आपके लाइफ में आया। इसके जस्ट बाद में आड़ी रेखाएं जब अवेलेबल होने लगती है तो अपना फ़ायदा कम, दूसरों का लाभ ज़्यादा देखते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने ऊपर खर्च करना या अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ सेल्फ पे करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन अपने से जुड़े लोगों को तमाम तरह की सुविधा साधन देना, उनके लिए मेहनत करना, उनकी इच्छा पूर्ति करना, ये कॉम्बिनेशन देता है। बहुत दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, एनिमल लवर, सोशल वर्कर, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर यह कॉम्बिनेशन बिल्ड करता है। अब इन सब के अतिरिक्त में यहाँ आप देखेंगे तो इधर भी एक स्क्वायर का साइन आपको दिखेगा। ये कॉम्बिनेशन परमानेंट स्टेटस देता है, वेल्थ देता है, सोसाइटी में डेवलपमेंट यानी पर्सनैलिटी वाइज, वेल्थ वाइज भी हमेशा होती रहती है, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। और ऑब्वियसली जो टीचिंग लाइन में होते हैं तो जुपिटर पे स्क्वायर मिलता ही है। तो ये कॉम्बिनेशन गुरु तत्व को इंडिकेट करता है कि आपके द्वारा हमेशा लाभ ही मिला है, आपने अच्छा ही कार्य किया है, लोगों को बड़ा बनाया है। तो इस कंडीशन में आपको भी बड़े लोगों के द्वारा या पहुँचे हुए लोगों के द्वारा सहयोग और समझ देखने को मिलेगा। जब जब एडवाइजर, सजेशन, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, गुरु तत्व के अतिरिक्त कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में मौजूद रहेगा। तो इसीलिए ये जुपिटर आपका बहुत अच्छा यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है और इन सब का फ़ायदा अभी आपको और देखने को मिलेगा। बच्चों के द्वारा बच्चों का भविष्य अच्छा दिखलाता है या बच्चों से लाभ अच्छा दिलाता है। जब भी जुपिटर और सैटर्न के मिड में इस तरह की लाइन होती है तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल नॉलेज को इन्हेंस करता है। इसीलिए इस कंडीशन में पिन पॉइंट वे से बात करना, सुनना और एक दो शब्दों में ही किसी भी तरह के मसले का हल निकाल देना, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, कर्म है। जुपिटर आपका यहाँ धर्म है, आपका पूरा ज्ञान है। जब ये दोनों मिल जाता है तो इस कंडीशन में सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए पिन पॉइंट बात करना सुनना पसंद करते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा रखता है। समझ समय के साथ आ जाती है किसको क्या ज़रूरत है, कौन किस लिए जुड़ा है, हमें क्या बर्ताव रखना है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल हर तरह का लाभ यहाँ पर देता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में सपोर्टिव हार्ट लाइन जब होती है तो हल्का फुल्का मूड स्विंग का इशू लाइफ में फेस करना पड़ता है, बट ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इमोशनल सेंसिटिव ही यहाँ पर बनाता है। अब यहाँ पर आप अपने लक लाइन को देखेंगे तो आपकी जो सबसे पहली लक लाइन है वो केतु से जनरेट हुई। इसका तात्पर्य होता है कि आप अपने घर परिवार में पितृ बन करके ही आए हैं, जिसका और तात्पर्य होता है कि आपके बर्थ के बाद आपके फादर या फैमिली की कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार या अपग्रेडेशन हुआ था। इसके जस्ट बाद में मून लक लाइन आपके पाम में एक्टिव हुआ। ये मून लक लाइन की कभी अगर हम एज जज करेंगे यहाँ पर तो अप्रोक्सीमेटली 27+ में दिखाई दे रहा है। तो यानी इस पीरियड से आपको बाहरी दुनिया, लोगों के द्वारा सहयोग और सफलता और मनोवांछित फल मिलना प्रारंभ हुआ। कंफर्ट लेवल आपका, अर्निंग कैपेबिलिटी यहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ। अब इसमें जब मर्करी लाइन ऐड होती है तो ये स्किल, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन के द्वारा लाभ देती है। तो इसने आपको और ज़्यादा लाभ देना अप्रोक्सीमेटली 33 के एज से शुरू किया, जिसके कारण आपका अर्निंग, वेल्थ और ओवरऑल अपने टैलेंट का यूटिलाइजेशन बढ़ा। इसके जस्ट बाद में आपकी सन लाइन यहाँ पर डेवलप हुई अप्रोक्सीमेटली 36 के एज के आसपास में। तो यानी इस पीरियड में आपका पोजीशन, पावर, अथॉरिटी या नेम रिस्पेक्ट लेवल्स बहुत अच्छे हाई लेवल पे यानी बढ़ने शुरू हुए। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी जो लक लाइन है पूरी की पूरी फैल करके चली है, यानी ये सब सफलताएँ तो दिखा रहा है लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा इस पूरे पीरियड में। ये समय अप्रोक्सीमेटली 33 से लेकर के 39 के मिड का था, जिसमें बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी और बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ा।
इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखेंगे तो लक लाइन की कंडीशन फिर स्मूथ होना शुरू हुई और अप्रोक्सीमेटली 45 प्लस में आकर के फिर आपकी लक लाइन में स्लाइटली चेंज हुआ जो और स्मूथनेस लाइफ में दिया। फिर अप्रोक्सीमेटली 52 के आसपास में फिर लक लाइन में स्लाइटली चेंज हुआ जो और स्मूथनेस आपके करियर में या काम में या कह सकते हैं अपग्रेडेशन दिया। और फिर अब जा कर के तो 67 और 8 में और स्ट्रॉन्ग ये लाइंस या स्मूथ लाइंस हो गई हैं तो और अधिक लाभ और इच्छा पूर्ति के योग यहाँ पर यह दे रहा है। तो सैटर्न माउंट की स्थिति ओवरऑल इस कंडीशंस के कारण बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और वहीं सैटर्न एंड सन के मिड में जब लाइन होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं कि अपना ज्ञान कर्म धर्म योग्यता दूसरों के बहुत काम आता है, इसलिए आपके द्वारा मिला गया दूसरों को एडवाइज सजेशन गाइडेंस या सिर्फ साथ भी सफलता उन्हें दिलाने के लिए काफ़ी है। यानी सूर्य के क्षेत्र पर जब बायफोर्क का साइन होता है तो ये व्यक्ति को रईस बनाता है, इसे यशस्वी योग कहते हैं और इस कंडीशन में हमेशा कॉन्टैक्ट रिलेशन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं काम आते हैं। ये कॉम्बिनेशन अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों को बढ़ाता है, नौकर चाकरों को लाभ दिलाता है या उनकी संख्या को बढ़ाता है, लेकिन ये दर्शाता है यश प्राप्त करने के योगों को। अब यहाँ पर आप सूर्य की रेखा को देखेंगे तो एक सूर्य की रेखा तो जीवन रेखा से निकली परंतु दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा से निकली, तो ये दर्शाता है कि आपने अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया, डिसिप्लिन लाए और अपने मेंटल एफर्ट्स, प्लानिंग या एक तरीके से नॉलेज के द्वारा, मेंटेलिटी के द्वारा अच्छे लेवल का सक्सेस आपने 48 प्लस में आते से ही हासिल करना शुरू किया। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी इस तरीके का त्रिकोण बनता है या स्टार का साइन बनता है तो पिता के बहुत सारे गुण मिलते हैं, लीनिएज के गुण बहुत ज़्यादा मिलते हैं और कुल पति ये कॉम्बिनेशन बनाता है। तो समाज में नाम सम्मान जुपिटर दे रहे हैं लेकिन कुल में नाम सम्मान या एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेडेशन यहाँ पर आपके द्वारा दिखाई दे रहा है। इवन पार्टनर को, फादर फिगर को, चाइल्ड को भी सूर्य जब इस तरीके का हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिलता है, जिसे कहते हैं स्टेटस एंड वेल्थ। तो ये कॉम्बिनेशन अगेन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि यह माउंट दबा हुआ है तो ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं दे पाता है, एक तरीके से फोकस में थोड़ी कमी देता है जिसके कारण बार बार माइंड डाइवर्ट होता हुआ, फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देता है और अननेसेसरी वरी इस तरीके का माउंट देता है। तो अगर अभी भी आप अपने सूर्य पे ध्यान दें तो ये कॉम्बिनेशन आपको जो लेट सक्सेस इंडिकेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं और जल्दी देना शुरू करेगा। लेट सक्सेस खासकर वेल्थ की बात यहाँ पर की जा रही है, प्रॉपर्टी की। इसके बाद में मर्करी माउंट पे जब मल्टीपल लाइन होती है तो बहुत मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व का चिन्ह होता है। ये एक तो उम्र से कम दिखते हैं क्योंकि ये जो मर्करी है हॉर्मोन्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण इस कंडीशन में स्किन डिसीज हुई या हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंसमेंट होना, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। दूसरा, ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज का कारक है, इसलिए कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा पकड़ देखने को मिलती है। आप जैसे जातक का एक तरीके से कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा है, एक तरीके से हीलिंग कैपेबिलिटी ये देता है कम्युनिकेशन में, किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कब किस तरीके का बर्ताव रखना है, बहुत अच्छा सेंस ये देता है। हॉस्पिटैलिटी तो होती ही है नेचर वाइज, इसीलिए आप जैसे जातक से जो पहली बार भी मिलते हैं उन्हें लगता ही नहीं पहली बार मिल रहे हैं, इतना अपनापन महसूस करा देते हैं या इतना कम्फर्ट लेवल पर ले आते हैं। ये हीलर बनाता है बेसिकली, कि अपने बातों से, कर्म से, व्यक्तित्व से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने के साथ दुख तकलीफ दूर करना, इसलिए डीप सीक्रेट्स या लोग अपना मान करके बहुत कुछ बतलाते भी हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगेन कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए आप जैसे जातक अगर किसी के साथ बिजनेस में भी जुड़ जाएं, साइड वर्क में भी जुड़ जाएं या आपके नाम से भी अगर काम करना शुरू करें तो भी उन्हें लाभ मिल जाएगा। आपका मर्करी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी यहाँ दिखाई दी है। दूसरा, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन है। हृदय रेखा अंत में आकर के थोड़ी आपकी बिखरी हुई है तो ये यहाँ पर इंडिकेट करता है, जैसे यहाँ पर अभी प्योरली एक आइलैंड का साइन नहीं बना है, इसका बिखरापन होना कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। आइलैंड का साइन यहाँ पर जब प्रोमिनेंटली डेवलप होगा तब ये मेजर इशू में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग भी आपको प्रिकॉशन दे दिया जाएगा क्योंकि लाइफ और सैटर्न लाइन का सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये अभी तक नहीं बन सका, ये परमानेंट नहीं बनेगा। इसका सजेशन आपको दिया जाएगा तब आपको हेल्थ के रिगार्डिंग फिर और ज़्यादा निश्चिंत हो जाना रहेगा। एक बहुत बड़ा मसला ये दिखाई दिया है कि हार्ट लाइन बहुत फेल करके चली है आपकी, ये जब इतना फेल के चलता है तो इमोशनल हर्ट आप जैसे जातक बहुत होते हैं, इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा करके जो लोग रखते हैं या दूसरों की नकारात्मकताओं को अपने अंदर कहीं ना कहीं बसा करके रखते हैं, भूल नहीं पाते हैं,
या हमेशा जिन्हें आत्मघात होता है, तो इस तरह का हार्टलाइन फैल जाता है। और वैसे भी सैटर्न की आड़ी रेखा इमोशनल सेंसिटिव तो बना ही रही है, तो ये दर्शा रहा है कि हमेशा से कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज़ लोगों के द्वारा मिसयूज़ मिसगाइडेंस आपको मिलता रहा है। इन सब के बावजूद भी आपके अंदर देने की आदत नहीं गई, ये तो बहुत अपने आप में बड़ी बात है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि बायफोर्क का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है हार्ट लाइन पे, तो ये विष्णु जी की कृपा को दर्शाता है, जिसमें होता यह है, इसे विष्णु चिन्ह कहते हैं। इसमें हमेशा स्टार्टिंग लाइफ व्यक्ति की टफ होती है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या फिर किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। होता यह है कि इतनी तकलीफें मिलती इसलिए है ताकि आप अपने लाइफ को अपग्रेड कर सके, आप कठोर हो सके, मजबूत हो सके अपने आप से और ईश्वर के निकट रहें। इसीलिए इस कंडीशन में विष्णु सहस्रनाम हर दिन सुनना या चैंट करना अगर आपने शुरू किया, तो एक अलग ही लेवल की स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। एक अलग ही स्तर का मैजिक और चमत्कार दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये इतना प्रोमिनेंट रेमेडी होता है आप जैसे जातकों के लिए, बहुत उनकी मतलब सिर्फ इसी तरह की आराधना करने से भी सर्वाधिक लाभ मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वही कॉम्बिनेशन की ये स्टार्टिंग लाइफ टफ थी, क्योंकि आइलैंड जैसा कॉम्बिनेशन या इतना ज़्यादा बिखराव, रिसोर्सेज की कमी, हेल्थ इशू, फैमिली इशूज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में ही माइंड लाइन इतना मजबूत हो गया, तो इसीलिए इसने आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी या मेंटली एक्टिव बनाया। तो इसीलिए मेंटल प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसने अच्छा दिया है, और फिर इसके बाद आपकी माइंड लाइन ओवरऑल यहाँ पर ठीक गई। फिर इधर पे सक्सेस और एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, तो यानी आपने अपने लाइफ में अपने नॉलेज या मेंटेलिटी के हिसाब से 23 से लेकर 26 के मिड में सक्सेस पाना शुरू किया। इसके बाद वे माइंड लाइन पे थोड़ा सा प्रेशर काम के सिलसिले में, जीवन शैली के सिलसिले में 33 से लेकर 36 के बीच में ही आया, जो अभी हमने लक लाइन पे भी देखा। इसके बाद में मर्करी लाइन यहाँ से निकल गई, जिसने आपको एक तरीके से चतुर, चालाकी और कहीं ना कहीं लाइफ में स्मूथनेस मेंटल वाइज लाना शुरू किया, जिसके कारण सभी तरह की तकलीफ परेशानी से डील करने की कैपेसिटी 37 के बाद से बढ़ी, और मल्टीपल एक तरीके से वर्किंग कैपेबिलिटी या इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी इसी पीरियड से डेवलप हुआ। इसके जस्ट बाद में आपकी माइंड लाइन ऊपर की तरफ ही झुकी, जो बिजनेस, लक, कम्युनिकेशन और टीचिंग से लाभ देती है, और दूसरा माइंड लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसने आपके नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस किया, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, एक्यूरेसी आपके डिसीजन प्लानिंग में बढ़ा दिया। अब इन सब के बीच में जब मर्करी लाइन निकल जाता है और ट्रायंगल का ऐसा साइन बनता है, तो ये मल्टी मिलियनर भी बनाता है, पर कंडीशन ये है कि इस लाइन को एक्टिव करना होता है, वो होता है बिजनेस। कोई भी बिजनेस या साइड वर्क करने से ही ये मल्टी मिलियनर का कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकता है। इसके बाद में यहाँ पर हम ओवरऑल माइंड लाइन की कंडीशन देखेंगे, तो माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है, वह शॉर्ट होती है, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, स्किल्ड बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, और जब ये लॉन्ग हो जाती है तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और रिसर्चिंग टाइप के नेचर में कन्वर्ट यह व्यक्ति को करता है। अब आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर इन्हेंस होना शुरू हुआ। ये समय आपके जीवन में अराउंड 21 से लेकर 27 के मिड में था, जिसमें लगातार अपग्रेडेशंस हुए, अपने एफर्ट से बहुत बड़े स्तर के लाभ आपको 26 प्लस में आते हुए देखने को मिले, 34-5 में भी, इसके पहले 29-30 और 28 में भी आपने सफलता अर्जित की। जब लाइफ लाइन से कोई रेखा इस तरीके से लक लाइन से जुड़ता है, तो इस कंडीशन में दो योग जीवन में निर्मित होते दिखाई देते हैं। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होना, या नए जगह जाकर के रसना बसना और नए तरह का काम करना, और दूसरा ये होता है कि चैलेंजेस आते हैं लेकिन वो लाइफ को और ज़्यादा बेहतर करने, यानी नेगेटिव सिनेरियोस विपरीत राजयोग लेकर के आते हैं, जैसे कि विपरीत परिस्थिति भी राजयोग लेकर के आती है। ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर हम आपके लाइफ लाइन से देखें तो ये समय 28 का है, और लक लाइन से देखने जाएं तो ये समय 34 का है। तो अगेन 28 से 34 के मिड में ये पूरा सिनेरियो आपके जीवन में रहा। इसके बाद में अगेन अपने एफर्ट से बहुत बड़े स्तर का लाभ या सफलता 39 से 41 के एज में दिखाई दे रहा है। फिर देन आफ्टर ट्रैवलिंग, और अभी भी ट्रैवलिंग के पूरे लाभ, और इधर भी बायफोर्क फिर से ट्रैवलिंग के अत्यधिक लाभ को इंडिकेट कर रहा है। मून लक लाइन एक्टिव हमेशा से रही है, इसलिए आपने अपने मन का सुना है, मन का काम किया है, हुआ भी है, क्योंकि लक लाइन में बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं आया है। लेकिन चंद्र के क्षेत्र पर अभी आपके क्रॉस का साइन डर, भय, चिंता, बेफिजुल कट देता है। मन में विचलन होना और मन नियंत्रित नहीं होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है। अभी इसका भी आपको सजेशन दिया जाएगा, ताकि मनोवांछित फल मिले, मन लायक काम हो और मन स्थिर रहे, तो सब अपने आप आपको सरलता से
सिद्ध हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लाइफ लाइन के पैरेलल जब ये लाइन चलती है तो इन्हें गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये दर्शाता है कि हमेशा किसी न किसी रूप से किसी न किसी का सहयोग जीवन में होता है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। तो ये लाइन एक्टिव हो गई थी आपकी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 17-18 में, और अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, और अब तो शुक्र से भी रेखा आ रही है। तो इसीलिए ज़्यादा वरीज और डिफ़िकल्टीज लाइफ में नहीं रही, क्योंकि सपोर्टिव लाइन हमेशा से एक्टिव रही। शुक्र माउंट आपका बहुत अच्छा है इस कंडीशन में। ये कॉम्बिनेशन कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, सकारात्मक सोच रवैया, वरी फ्री और लग्जरीज कंफर्ट मटेरियलिज्म का आनंद भरपूर लेना और दूसरों को देना, ये सारी कैपेबिलिटी देता है। हाइजीन बहुत मेंटेन करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यह शुक्र का काम है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना एनी हाउ, तो इसलिए अपने मेंटेनेंस को अच्छे से मेंटेन, यानी अपने ऊपर अच्छे से मेंटेनेंस करना, हेल्थ वाइज भी मेंटेनेंस करना, थॉट वाइज भी, लाइफ स्टाइल वाइज भी उम्र को बढ़ाता है। इसीलिए संजीवनी का कारक है, और शुक्र आपका बहुत अच्छा है जो हेल्दी वेल्दी और मटेरियलिज्म प्रॉपरली आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु का क्षेत्र आपकी हथेली में सामान्य है, चंद्र थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा दिखाई दिया है, रेस्टलेसनेस का इशू दिखा रहा है। बाकी इधर भी स्क्वायर का साइन अभी और डेवलप होना बाकी है, इसका रेमेडी जब आप करेंगे तो स्क्वायर साइन डेवलप होगा, जो बर्थ प्लेस से दूर आपको परमानेंट सेटलमेंट या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए और पॉजिटिव साइन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि सन लाइन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, अगेन ये पिता को लाभ या पिता के गुण अधिक देता है। मस्तिष्क रेखा लंबी रही, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी रही, और जिद हमेशा से था, अपने जिद को पूरा किया। और यहाँ पर हम लक लाइन को देखेंगे तो सेल्फ मेड लक लाइन आपकी कन्वर्ट हुई है, परंतु जब भी होता यह है कि जब भी लाइफ लाइन से अटैच होकर के लक लाइन डेवलप हो जाती है तो ये फैमिली का सपोर्ट एट द एंड बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, जितना मेजर स्ट्रगल था वो सब 36 के पहले था, उसके बाद से लेफ्ट पाम में भी लाइंस बहुत अच्छी होने लगी, और यहाँ पर भी एट द एंड स्टार का कॉम्बिनेशन आया है, तो रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस गवर्नमेंट से लाभ मिलना आपको तय है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।